प्रश्नावली 2.5 निम्न का मान कीजिए, निम्न का लिखिए। पहला सवाल है x बटे 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर x बटे 3 प्लस 1 बटा 4। अब हमें यहाँ पे हरों का लसव लेना है। हर है 2, 5, 3 और 4। सबसे छोटी से छोटी संख्या 2, 2 से विभाजित किया 2 को एक बार, 5 में भाग जाएगा तो 5, 3 में भाग जाएगा तो 3 और 4 में भाग जाएगा 2 बार 2, फिर 2 का जा रहा है 1, 5, 3, 2 एकम 2, फिर 3 का जा रहा है 1, 5 और 3 एकम 3 और 1, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार इसके हर से गुणनखंड जो हुए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15, 15 30, 30 दूनी 60 इसके लस आया है। अब इन दोनों पक्षों में 60 का हमें गुणा करना है, तो x बटा 2 माइनस 1 बटा 5 बराबर 60 इंटू x बटा 3 प्लस 1 बटा 4, इधर और दोनों पक्षों में हमें 60 का गुणा करना है। अब 60 का गुणा x में किया तो 60x बटे में 2 प्लस माइनस माइनस होगा, 60 एवं 60 बटे में 5 बराबर 60 का गुणा x बटे 3 में किया तो 60x बटे 3 10 प्लस प्लस हो जाएगा और 60 एवं 60 बटे में 4 आ जाएंगे। अब इसको हल करेंगे, 2 से 60 को काटा 30 बार, 30x माइनस 60 को 5 से काटा 12 बार बराबर 60x को 3 से काटा 20x प्लस 60 को 4 से काटा 15। तो अब समीकरण जो बनी है वो बनी है 30x माइनस 12 बराबर 20x प्लस के 15। तो 30x में से अब यहाँ पर पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करेंगे तो जो संख्या प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगी और जो माइनस में है वो प्लस में बदल जाएगी। तो 30x ये 20x से समान लेना है तो 20x यहाँ प्लस में इधर आएंगे तो माइनस में 20x बदल जाएंगे, 15 इधर प्लस में है यहाँ पे माइनस के 12 है, पक्षांतरण करेंगे बराबर बदल जाएंगे तो प्लस में बदल जाएंगे। 30x में से 20x घटाए तो 10 और 15 और 12 को जोड़ेंगे 27, 30 10x दोनों गुणा में है, x का मान लिख करना है, पक्षांतरण करेंगे भाग बन जाएंगे तो इस प्रकार 27 बटे 10 इसके आंसर हो जाएंगे। दूसरा सवाल है 1 बटा 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। अब यहाँ पे 2 4 6 का लसा लेना है, लस इस प्रकार लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 आ जाएगा तो 3 इंटू 6 और 6 दूनी 12 इसका लसा हो जाएगा। इस पूरे पक्ष में 12 का गुणा करना है और इसमें 12 का गुणा करना है तो 12 इंटू एन बटा 2 माइनस 3 एन बटे 4 प्लस 5 एन बटे 6 बराबर 21 में 12 का गुणा करना है, दोनों पक्षों में 12 का गुणा करना है तो 12 का गुणा एन बटे 2 में किया तो 12 एन बटे 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एन बटे 4 में गुणा करेंगे तो 36 एन बटा 4 हो जाएगा प्लस प्लस 5 एन में 12 बटे 60 एन बटे 6 हो जाएगा और यहाँ पर 12 का गुणा 21 में करेंगे तो 252 आ जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे, 2 से 12 काटा 6 बार 6n, 4 को 36 काटा 9 बार 9n प्लस 6 को 60 से काटा तो 10n बराबर 252। इस समीकरण को हल करेंगे तो 10n और 6n दोनों प्लस के हैं, 16n में से 9n घटाएंगे तो 7n बराबर 252। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है अर्थात इन दोनों के मध्य गुणा हो रहा है तो उसको पक्षांतरण करेंगे तो बराबर बदल जाएगा तो भाग बदल जाएगा तो 252 बटे में 7 और 252 को 7 से काटेंगे 36 इसके आंसर आ जाएंगे। चौथा सवाल है x माइनस 5 बराबर x माइनस 3 बटे 5। इसको इस विधि से भी कर सकते हैं, 3 और 5 का 15 लसा लेके भी कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि से भी कर सकते हैं। तो वज्र गुणन से क्रॉस गुणा करना है, इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो x माइनस 5 में 5 का गुणा किया, x माइनस 3 में 3 का गुणा किया तो 5 का गुणा x में किया तो 5x प्लस माइनस माइनस होगा, 5 का गुणा 5 में किया तो 25 बराबर का बराबर, 3 का गुणा x में किया तो 3x और प्लस माइनस माइनस 3 का गुणा 3 में किया तो 9। अब पक्षांतरण करेंगे जो प्लस में है वो माइनस में बदल जाएगा, जो माइनस में है प्लस में बदल जाएगा तो 3x इधर आएगा तो 5x माइनस 3x 25 बदल जाएगा तो माइनस के 9 प्लस के 25, 5x में से 3x घटाए तो 2x बराबर 25 में से 9 घटाए तो 16 और दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, गुणा हो रहा है, n का मान ज्ञात करना है तो 16 बटे 2 इसका मान हो जाएगा तो 8 इसके आंसर आ जाएंगे। पांचवा सवाल m बटे 1 माइनस m माइनस 1 बटे 2 बराबर 1 बटा 1 माइनस m माइनस बटे 2 बटे 3 आ जाएंगे। तो अब इसमें हम यहाँ पे 1 2 1 3 का लसा लेंगे 6 आएगा तो बटे में 6 1 का भाग दिया 6 में 3 बार जाएगा ऊपर वाली संख्या m से गुणा 6m माइनस 2 का भाग देंगे 6 में 3 बार तो 3m माइनस के m 1 का भाग देंगे 6 में ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 माइनस का माइनस 3 का भाग देंगे 6 में 2 आएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो 2m प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस के 4 इधर आ जाएंगे बटे में 6। अब ये समीकरण जो ऊपर वाली समीकरण बन रही है ये वाले समीकरण 6m माइनस 3m प्लस 3 बराबर 6m माइनस के 2m प्लस के 4। अब यहाँ पर समान चिन्हों को पास में लाएंगे
और असमान को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 6 - 3m, यहाँ 2m माइनस के हैं तो उधर लाएंगे तो 2m प्लस हो जाएंगे, 3 प्लस का है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 और 4 प्लस के हैं माइनस के 3 हो जाएंगे, 6 में से 3m गया तो 3m और 2m 5m हो जाएगा, 6 में से 6 और 4 को जोड़ा 10 में से 3 घटाया तो 7, 5m बराबर 7, m का मान ज्ञात करना दोनों गुणा में है भाग में कर देंगे तो m बराबर 7/5 इसके आंसर आ जाएंगे।